से आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। शहनाजगंज पीएच में आज एक शख्स जिसका नाम जी चंद्र प्रकाश चौधरी ने रिपोर्ट लिखाई, किसके खिलाफ जानेंगे इस वीडियो में। इन्होंने आज पप्पा लाल चंद्र लाल ये दो मिलकर गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज शहनाजगंज पीएस हदूद में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई इनके खिलाफ। ये लोग जेल जाकर आने के बावजूद भी गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के संगात भी गाली गलौज करते हैं। इसी वजह से चंद्र प्रकाश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे राहुल सिंह की ये न्यूज़। संत रविदास समाज की ओर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जी चंद्र प्रकाश चौधरी है और मैं अभी तक शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में कई बार अप्लीकेशन दे चुका हूँ और देते आ रहा हूँ। और पापा लाल ज़्यादा करके पापा लाल और उनका बड़ा भाई चंदन लाल दोनों जो है हम पर फिर शुरू कर दिए झगड़े का, जानबूझकर झगड़ा कर रहे और आने जाने वालों के साथ में गाली गलौज भी कर रहे और यहाँ तक कि मेरे बच्चे को रमेश को ये बोल रहे हैं कि हम तेरे को जान से मरवा डालेंगे बोल के भी बोल रहे हैं और समाज में दुनिया की बातें कर रहे हैं कि हम इसे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और वो बच्ची जो है तो वो भी जो है तो औरतों को दुनिया के गालियाँ दे रही है और मैं जैसा अंदर जाके आई तुमको भी अंदर करूँगी बोल के ये बात भी बोल रही है हमें, लिहाजा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। पापा लाल जो जेल को जाके आ चुका है उन्हें फिर हमारे बच्चे के ऊपर लगा हुआ है कि मैं तुझे तेरे को जान से मरवा डालूँगा और तेरे को छोड़ूंगा नहीं और जहाँ तक हुआ देख लेता हूँ बोल के बोला। पीएस में कंप्लेंट दिया, पीएस में कंप्लेंट दे दिए, पीएस में पूरी राइटिंग के सगा दिए कि साहब ऐसा ऐसा इन्हें फिर हमको जो तो तंग कर रहा है। पुलिस वाले क्या बोले आप? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि आप अप्लीकेशन दो हम कार्रवाई करते हैं बोल के बोल रहे हैं। मनोहर लाल मेरा नाम है, जीएसएन में काम करता था, मैं रिटायर हो गया। इनकी धमकियों से जब हम लोग परेशान हैं सर और मैं उनके पापा लाल के मकान के बिल्कुल बाजू में रहता हूँ, एक ही दीवार के पास। अब मेरे को तो बोलते हैं कि तेरे को तो मार कर जीना हराम कर दूंगा, बोलते ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते सर। इनसे हम लोग बहुत तंग आ गए, आप लोग कुछ कार्रवाई करेंगे बोलते उम्मीद करते हैं। कल चारों जनों गालियां क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? कल चारों हम लोग यहाँ पे बैठने के बाद में हमारे लोगों को जाकर देख करके बोलते मैं चारों को देख लूँगा, मैं पहले मैं आ गया और मेरा भाई आ गया। उनके भाई का नाम क्या है? भाई का नाम चंद्रलाल है सर, वो भी इस तरह से परेशान कर रहे हैं कुछ छूटे बस तो लगे। फिर आप इसकी शिकायत पुलिस से की? पुलिस में शिकायत भी करे साहब, राइटिंग में देकर के भी आए, अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उम्मीद करते कुछ कार्रवाई अच्छी करेंगे। हम लोग पुलिस में बी एस एंटाल सेनाजगंज में कंप्लेंट देकर के आए साहब, वो लोग हमारे को आश्वासन दिए कि जो है हम कुछ तो कार्रवाई करेंगे, जरूर कार्रवाई करेंगे बोल सकते हैं। कितना बोल के साइन करना, जाना आना बंद कर देना, ऊपर से उसकी जोर आती उसको बोलने लगाती आए दिन, वो बच्ची इतने दिन से नहीं थी कभी हम बोले नहीं बोले, आगे 4-8 दिन ही हो गया फिर से हमको चालू।